देखो नहीं कुछ ऐसे नहीं हमको मालूम है कि लेट उठे छोटे वालों को और काट रहे थे आओ ना घर पर आई हम आई शुरू करिए ना सब्जेक्ट कर दिए हो तुम प्रोग्राम को कैसे उनको मालूम है नहीं बताया नमस्कार सभी का स्वागत है। दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा से विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी आज हायाघाट के मझोलिया गांव पहुंचे। हायाघाट विधानसभा के मझोलिया गांव पहुंचकर उन्होंने गुणेश्वर चौधरी के यहां उनके पौत्र का जन्म कार्यक्रम था, वहां उन्होंने बच्चों का आशीर्वाद दिया। वहां से निकलकर वो अमरेंद्र झा जो पंडित जी हैं सिमेजिंगपुर के उनके पुत्र के शगुन तिलक में वहां पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त विनय चौधरी कुछ बीमार भी चल रहे थे, फिर भी वो अपने विधानसभा के अलावा हायाघाट में भी और विभिन्न जगहों पर खासकर पूरे जिला में वो एक्टिव रहते हैं। सभी जगहों पर उनको देखा जाता है कि वो एक्टिव होकर भी बहुत सारे काम में भी शिरकत करते हैं, साथ ही ऐसे काम में जहां पर जनऊ कार्यक्रम हो या फिर मुंडन कार्यक्रम हो या फिर शादी का कहीं से भी उन्हें न्योता आ जाता है तो वो थोड़ा भी समय निकालकर वो उनके यहाँ पहुँचते ही या वो यहाँ एक गिलास पानी पिए या ना पिए लोगों के यहाँ वो पहुँचते जरूर हैं। ये बड़ी बात आपको बता दें कि आज मझोलिया गांव सिविसिंहपुर गांव के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ पर वो आज पहुँचे और उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद और शुभकामना दिया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर निर्मल कुमार के घर पर भी पहुँचकर वो यहाँ पहुँचते हैं और वो वहाँ पर पहुँचकर उनको आशीर्वाद देते हैं। निर्मल कुमार भी शादी के बंधन में बंधे हैं। आइए उनका भी आपको तस्वीर दिखाते हैं, इंटरव्यू सुनाते हैं, आखिरकार यहाँ पर किस तरह से विनय चौधरी जो है प्रोफेसर विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचकर उनके साथ जो नवीन चौधरी हैं हायाघाट के मंडल अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे अजीत झा के दरवाजे पर जहाँ शगुन तिलक का कार्यक्रम है। वहाँ पहुंचने के बाद उनका भी वहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर होरलपट्टी गाँव के रहने वाले शिवनाथ झा भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी विभिन्न जगहों पर आओ आओ वो आओ अपना लगा दो हमारा लगा चलो आप लो बेनीपुर के विधायक जी हैं जदयू के जो उनको एक कार्यकर्ता एक चोरी में हम बीजेपी से युवा मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष हैं तो अपनी इच्छा के अनुरोध उनसे एक प्रेम भाव के तहत उनसे को मान सम्मान के देखते हुए उनको आन के आग्रह किए थे। वही फंक्शन अटेंडेंट करने के आज हमारे भैया के शगुन उपलक्ष में आए हुए थे। भी भेंट मुलाकात हुई उसके उपलक्ष में, फिर बगल में वीडियो साहब के उनके पुत्र के उपनयन में भी नहीं पहुंच पाए थे, आज उनके भी यहाँ पर पहुँच गए।